हेलो बोलो, हेलो हेलो हेलो। किस तरह का? मैंने अंदर भी कहा कि ये बहुत ही स्पेशल चिल्ड्रन है, मेंटली स्पेशल है, क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड है। इन्हें बस एक्स्ट्रा केयर की और एक्स्ट्रा प्यार की जरूरत होती है, और दुनिया में कौन नहीं चाहता कि उन्हें एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा प्यार मिले। मैं भी चाहता हूँ कि अगर कोई मेरी केयर करता है, कोई मुझे प्यार करता है, तो हम इंसान प्यार के लिए भूखे होते हैं, तो वैसे ये लोग भी केयर के लिए और प्यार के भूखे होते हैं। तो ये इनफैक्ट लकी है कि इन्हें हम जैसे नॉर्मल इंसान से ज़्यादा, ये भी नॉर्मल है लेकिन स्पेशल है ये लोग, तो इनको ज़्यादा केयर और ज़्यादा प्यार चाहिए होता है, तो इसलिए ये इन स्पेशल किड्स के बीच में आके बहुत अच्छा लगता है। I think they are God gifted parents और उनको बहुत special gifts मिले हैं इनके रूप में, और बहुत ही special बच्चे हैं, so I think parents खुशी होते होंगे इनके साथ। ज़्यादा बोलूंगा नहीं, मैं इनके लिए गाना गाता हूँ। ऐसी उलझी नजर उनसे हटी नहीं, दांत से रेशमी डोर कटी नहीं, उम्र कब के बरस के सफेद हो गई, काली बदरी जवानी की छटी नहीं, वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंग उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा बच्चा है जी, हाँ दिल तो बच्चा है जी। थैंक यू। मैं आपने जो पूछा था कि इनके पेरेंट्स को कैसा फील होता होगा, उस बारे में कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, प्रैक्टिकली अगर बताऊँ तो बहुत ही मुश्किल काम होता है ऐसे, क्योंकि ये जो स्पेशल किड्स को इन लोगों की अपब्रिंगिंग करना और सोसाइटी में वही दर्जा देना बहुत ही मुश्किल का काम है, आसान नहीं होता। इसलिए मैं सल्यूट करना चाहूँगा इस एकेडमी को और इनके पेरेंट्स को कि इनको ऐसे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और एनकरेज कर रहे हैं कि जाइए, डांस कीजिए, गाइए, इंस्ट्रूमेंट्स बजाइए, तो इससे प्रूव होता है कि ये लोग भी बाकी लोगों से कम नहीं है। बहुत ही मुश्किल है इनके पेरेंट्स के लिए, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी एनकरेजमेंट देता है, इसलिए मैं सल्यूट करना चाहूँगा इनके पेरेंट्स को और इनकी एकेडमी को। नहीं, ये मैं पहली बार शामिल हुआ हूँ इस इवेंट में, तो मौका मिला तो मैं बार बार आऊँगा, जितनी जब भी मुझे इन्वाइट करेंगे, और मैं जितना कर सकता हूँ इनके लिए मैं करूँगा, लेकिन कभी बताऊँगा नहीं कि मैंने ये किया और वो किया। And I think they are the most talented kids. They are the most talented kids. God bless them. Thank you so much. Thank you. Yes. 2. वैसे it equals 1. आज के दिन it equals 2. ये अभी भी जल्दी है, बहुत जल्दी पिक्चर आज लगी है, लोगों को देख लीजिए, समझ में आएगा कि ये 6-5 इक्वल्स 2 का मतलब क्या है। वो हमारा क्लाइमैक्स रिवील करता है सर, वो तो आपको क्लाइमैक्स ही बताएगा। जी जी सर, ये अमेजिंग बच्चे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, ड्रम बजाया, डांस किया, और ये अमेजिंग किड्स हैं, जैसा मैंने नाम लेना चाहता हूँ। ये संस्था बहुत ही अच्छा काम कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट में इन बच्चों की सेवा कर रही है, विच इज़ अ ग्रेट कॉज, ग्रेट नोबल कॉज, और मैं चाहूँगा और भी लोग जुड़ें इस संस्था से, बच्चों की मदद करें, और ऐसे अमेजिंग बच्चे हैं, इनको परफॉर्मेंस करने का मौका मिले, खेलने कूदने का और सोसाइटी में आगे बढ़ने का मौका मिले। करेक्ट, बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा। क्या
मैं समझता हूँ पहली बात तो ये कि वो माँ बाप ही जानते होंगे कि इन बच्चों की परवरिश वो कैसे करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अगर भगवान ने बच्चों को किसी स्पेशल तरीके से बनाया है तो उन माँ बाप को भी उसी तरीके से बनाया होगा जो इन बच्चों की परवरिश उस तरह से कर सके कि इन्हें ढेर सारा प्यार दे सके, इन्हें समाज में स्कूलिंग एजुकेशन अपब्रिंगिंग उनकी उस हिसाब से हो सके। लाइफ मैं समझता हूँ बड़ी मुश्किल होती होगी उनकी, लेकिन गॉड किसको क्या गिफ्ट देते हैं और कैसे देते हैं उनकी कल्पना वही जानते हैं, हम लोग नहीं समझ सकते। लेकिन आज हम चिल्ड्रंस डे पे यहाँ पे आए, चिल्ड्रंस डे पे पहली बार मैं किसी भी एक संस्था में या किसी भी एक ऐसे वातावरण में शरीक हुआ हूँ, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज बच्चों की चिल्ड्रंस डे पे हम साथ में हैं और हमारी फिल्म भी रिलीज हो रही है। गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्टेशन होगी कि जितने भी कॉज आज तक हिंदुस्तान में दबे हुए चले क्योंकि उनकी अहमियत कम लगती है, उनको जरा उठा के देखे कि देश में क्या परिवर्तन आता है अगर उन चीजों को आगे लाएं जिन पे किसी का ध्यान नहीं जाता। जैसे कि हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है इस समय स्वच्छता के ऊपर, ऐसे ही जब ये प्रोग्राम अपने चरम सीमा पर पहुंच जाए उसके बाद हम ऐसा कोई प्रोग्राम बनाए जो अमेजिंग किड्स के लिए हो और ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाए जो इन लोगों के लिए रोजगार, इन लोगों के फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए हो, इन लोगों के अकोमोडेशन के लिए हो, तो गवर्नमेंट उस पर आएगी एक एक प्लान करके। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जरूर इस बारे में सोच रही है। थैंक यू सो मच। ये कैमरा मत कर रे। अच्छा हाँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल था। हम लोग फर्स्ट टाइम हमारी मूवी को प्रमोट करने यहाँ आए स्पेशल चिल्ड्रन के बीच में और बहुत अच्छा लग रहा है हमें और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। ये बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, मतलब हमें तो लगा, मतलब हमसे ज़्यादा हम कहेंगे कि ये लोग बहुत टैलेंटेड, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है ये बच्चे। वेल मुझे भी आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे कि लाइक आई वाज सो हैप्पी कि मुझे बोला गया था कि हैप्पी चिल्ड्रंस डे के दिन यहाँ पे आपको इवेंट पे आना है और लाइक एज अ स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, तो आई वाज सो हैप्पी दैट कि यहाँ पे आकर और मैंने कुछ इनके सामने मुझे मज़े भी किए, एंजॉय भी किया, आके ऐसा लगा कि लाइक या दिल तो बच्चा है जी, तो लाइक सो हैप्पी आई थिंक राइट गौरव। एब्सोल्युटली बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके एंड आई थिंक सब लोगों ने कहा होगा कि वी वर किड वंस, तो जो जो हमारा पास था, हमारा बचपन था, वो रिलीव किया हम लोगों ने एंड देखा कि रियलाइज़ हुआ कि इतनी छोटी सी एज में इन लोगों के अंदर कितना ज़्यादा टैलेंट है। बिकॉज मैं जब छोटा था तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं लोगों के सामने जाके परफॉर्म करूँ, कोई गेस्ट आता तो उनके सामने जबान नहीं खुलती थी, बट दिस किड्स दीज किड्स आर लाइक सुपर, दे परफॉर्मिंग, गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सो इट्स वेरी वेरी हैप्पी टू सी दैम। पेन से ज़्यादा आई वुड से कि माँ बाप को सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि दे आर वेरी जो दे वेरी उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बाकी लोगों के बाकी माँ बाप से बहुत ज़्यादा होती है। बिकॉज जो बच्चों की जो रोज़बरिंदी जो जो चीज़ें होती हैं जो हम आसानी से कर लेते हैं, आप आसानी से कर लेते हैं, जिसे हम टेकन फॉर ग्रांटेड देते हैं, उनके लिए इनको माँ बाप की हेल्प चाहिए होती है एंड माँ बाप उनकी हेल्प करते हैं एंड दे ब्रिंग द किड्स अप इन दैट वे, दे फेस द सोसाइटी इन दैट वे, और कभी कभी हार्श कमेंट्स का भी सामना करना पड़ता है। सो तकलीफ तो होती होगी बट उसके साथ आई थिंक ऊपर वाले ने उनको हिम्मत भी इतनी दी है, सो दे मेड देयर पेरेंट्स वेरी स्पेशल एज़ वेल। फिल्म के बारे में वेल फिल्म के बारे में ये बताना चाहूँगा कि 6 मंथ्स पर इज इक्वल टू जो कि आज रिलीज हो रही है हमारी फिल्म, इट्स समथिंग वेरी रियलिटी यू विल सी द फिल्म, एक नया नेचुरल आपको तरीके से मिलेगा जाके। एक 6 दोस्त एक ट्रैक पे जा रहे हैं, उनके साथ में क्या क्या इंसिडेंट होती है, क्या क्या घटना होती है, तो लाइक आपको इस फिल्म के दौरान आपको एंजॉय भी जरूर होगा। जहाँ तक की फिल्म की बात है, ना इसमें कुछ एंटरटेनमेंट है, ना ही कुछ लाइक डांस है, ना ही कुछ सॉन्ग है, इट्स टोटली समथिंग इज वेरी लाइक वेरी नेचुरल। एंटरटेनमेंट बहुत है, हॉरर बहुत है और आपको बहुत मजा आने वाला आएगा ये मूवी देखते टाइम। और आप इट्स मोर अबाउट फ्रेंडशिप, तो आपको अपने दोस्ती के दिन और दोस्तों के साथ जाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। जैसे हम लोगों को आया शूटिंग के दौरान, तो हम लोगों ने बहुत मस्ती करी है। तो फिल्म में भी दोस्ती है, हॉरर है, एंटरटेनमेंट काफी है,
एंड रियलिटी काफ़ी है पिक्चर के अंदर. हाँ. जो जो भी आप आपके साथ जो जो भी आप फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा कि आप उससे जुड़े हुए हो. कैरेक्टर्स इतने डिफरेंटली हैं, छः जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उस इतने डिफरेंट है कि आप छः में से एटलीस्ट एक के साथ तो कनेक्ट कर ही पाओगे एंड यू फील लाइक यू पार्ट ऑफ द फिल्म. जी मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि कैन आई हैव अ सेंसुअल सीन विद गौरव कोठारी बट दे सेड नो. नहीं एक्चुअली इसके पीछे एक रीजन है बिकॉज़ गौरव कोठारी इज अ गाय बट सेंसुअलिटी इसके अंदर नहीं है. इसके अंदर जैसे पहले बताया कि ट्रू फ्रेंडशिप है, एसेंस ऑफ लव है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप सेंसुअल बना सको, सेंसुअल कह सको. इट्स थरो एंटरटेनिंग फिल्म, हॉरर है, मस्ती मजाक है, देयर इज नो सेंसुअलिटी. हम जैसे हमने कहा हमारी मूवी काफी रियल है तो ये रियल डॉक्यूमेंट्री पे आधारित है, रियल हादसे पे हुई है ये स्टोरी. किसी के साथ रियल हादसा हुआ है, किसी के साथ जो घटना घटी है उसकी उसके जीवन पे आधारित ये फिल्म है. तो अगर हम गाने डालेंगे, अगर हम इसको कमर्शियलाइज करेंगे इतना सीन्स डालेंगे जो चीज हुई ही नहीं है वो दिखाएंगे तो इट्स काइंड ऑफ अ चीटिंग और वो फिल्म के प्लॉट के साथ जाएगा भी नहीं. यस थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. डू वॉच द फिल्म. थैंक यू.